अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ अफजल। आप देख रहे हैं शेफ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे मिक्स निम्को बाज़ार वाले स्टाइल में, कमर्शियल स्टाइल में। किस तरीके से कमर्शियल वाली रेसिपी आप अपने घर में बना सकते हैं, परफेक्ट निम्को की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। कम क्वांटिटी में बनाएंगे और ये बनाने का मकसद यही है कि आप अपने घर में बाज़ार वाला टेस्ट ला सकें। तो देख लेते हैं दोस्तों, निम्को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगी, आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों, हम बनाएंगे गाठिया, जिसके लिए मैंने लिया है बेसन। बेसन आपका बिल्कुल बारीक होना चाहिए। पाउडर तेल लेंगे, कुकिंग ऑयल, पानी लेंगे और सोडे की जगह हम ले रहे हैं खारा सोडा, नमक और सफ़ेद ज़ीरा। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें नमक शामिल कर लेते हैं एक बाउल के अंदर, ज़ीरा शामिल कर लेंगे और सोडा इसके अंदर हम शामिल करेंगे, खारा सोडा। ये मीठा सोडा या बेकिंग सोडा नहीं है, ये याद रखिएगा। पानी शामिल करेंगे इसके अंदर, कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बेसन शामिल कर लेंगे। तो दोस्तों, खारा सोडा, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि खारा सोडा तो चीज़ों में नहीं डलता है, इसके अंदर मजबूरन डालना पड़ता है, क्योंकि अगर जो आपको गाठिया खस्ता बनाना है तो खारे सोडे का ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर जो आप इसके अंदर बेकिंग सोडा या मीठा सोडा डालेंगे तो गाठिया एक तो मीठे सोडे से थोड़ा सा काला हो जाता है और उतना खस्ता नहीं होगा जितना कि खारे सोडे से होता है। तो ये मजबूरन आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। और दूसरा, आपने इसको फेंटना बहुत अच्छे से है, जैसे कि मैं इसको फेंट रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, फेंटने से भी गाठी आपका खस्ता बनेगा। एक ये भी टिप है कि आपने बेसन के ऊपर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी है, तो जब भी आपका गाठिया बिल्कुल अच्छा फूलेगा भी ज़्यादा और ये खस्ता भी बनेगा और वाइट भी रहेगा, मेला नहीं होगा। यह है जी घर में निम्को बनाने वाली मशीन। तो ये मैंने कराची सिटी से ख़रीदी है और ये मैंने ली है 1500 रुपए की। तो इसकी जालियाँ चेक करते हैं, तकरीबन 6 दोस्तों इसके अंदर जालियाँ हैं। तो ये है तीखे गाठिए की जाली, तीखे सेव की जाली, मोटे गाठिए की जाली, बारीक सेव की जाली है, इससे आप दाल मोट भी बना सकते हैं। ये पापड़ी की जाली है, तो इस ये भी गाठिए की जाली है और एक ये पापड़ी की जाली है। तो अभी हमने बनाना है इससे गाठिया, तो मैं गाठिया वाली जाली लगा देता हूँ इसके अंदर, बाकियों को साइड पे करेंगे। और तेल दोस्तों मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, क्योंकि निम्को के काफ़ी सारे आइटम बनाने हैं तो ये वीडियो वैसे ही लंबी बनेगी। तो इसके अंदर भर लेते हैं बेसन को, थोड़ा सा मैं बचा लूँगा ताकि हम इसी बेसन से पापड़ी भी बना सकें। तो तेल हमारा माशाल्लाह से गर्म है, तो इसको करते हैं फ्राई। तो दोस्तों, इसको अगर जो आपने मीटर से चेक करना है तो 120 से 140 तक इसका टेम्परेचर होना चाहिए तेल का, और ये 7 से 8 मिनट तक आपने इसको फ्राई करना है। थोड़ा सा इसको कड़क करके निकालिएगा तेल से, और ये भी कोशिश आपने करनी है कि गाठी आपका लाल भी नहीं होना चाहिए। अगर जो आप इसको ज़्यादा देर तक फ्राई करते रहेंगे तो इसके अंदर तेल भी भर जाएगा और ये लाल भी, इसमें जो कलर है इसका वो भी चेंज हो जाएगा और लाल हो जाएगा। तो मैं इसको चेक भी कर रहा हूँ और थोड़ी सी वीडियो दोस्तों मैंने इसमें से स्किप भी करनी है, क्योंकि अगर जो मैं पूरी वीडियो एक ही उस पर दिखाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो ये माशाल्लाह से तैयार हो गया है, कड़क हो गया, तो इसको निकाल देते हैं, साइड पे करते हैं इसको, और जो पापड़ी हमने बनानी है उसको स्टार्ट करते हैं। तो पापड़ी का भी दोस्तों जो ऑयल का टेम्परेचर है वो गाठिए जितना ही होगा सेम, और फ्राई की जो टाइमिंग है तकरीबन उतनी ही रहेगी, और उसी तरीके से हमने इसको भी फ्राई करना है कि हल्की सी कड़क करके इसको ऑयल में से निकालना है। तो ये भी हमारी तैयार हो चुकी है, अब बनाते हैं हम तीखे गाठिए की डो, जिसके लिए कि मैंने ली है ग्रीन चिली 2 पीसेस। इसको मैंने बारीक बारीक काटा है दोस्तों, आपने इसका पेस्ट बनाना है। कुकिंग ऑयल इसमें शामिल कर दिया है, नमक शामिल करेंगे, कटर मिर्च शामिल करेंगे, लाल कटर मिर्च। अगर जो आपको इसका और भी अच्छा टेस्ट चाहिए तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा हींग का पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे और भी फ्लेवर मज़े का हो जाएगा तीखे गाठिए का। तो इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया है मैंने, और ज़रदा कलर इसमें शामिल करेंगे, इससे इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा।
पानी शामिल कर रहे हैं। और दोस्तों निम्को बनाने के लिए आपने जो बेसन का इस्तेमाल करना है वो बिल्कुल पाउडर की तरह होना चाहिए। मोटा बेसन जो होगा, दानेदार जो बेसन होगा, उसकी निम्को अच्छी नहीं बनती और ना ही फूलती है और ना ही खस्ता बनती है। तो ये आपने याद रखनी है बात कि बेसन जब भी आपने परचेस करना है बिल्कुल पाउडर की शक्ल में होना चाहिए बेसन। और कोशिश कीजिएगा कि अच्छे बेसन का इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में मटर वाला बेसन भी आपको मिलता है, तो मटर वाले बेसन से परहेज करें। खालिस चने की दाल के बेसन का इस्तेमाल करें। तो मशीन के अंदर दोस्तों मैंने दूसरी जाली लगा दी है तीखे गाठिए की, तो इसके अंदर भर लेंगे। हाथ को मैं थोड़ा सा पानी लगा रहा हूँ, तो दोस्तों आप अगर जो पानी लगा के इसको भरेंगे तो यह बेसन जो है वो आपके हाथ को चिपकेगा नहीं और आपको आसानी रहेगी। मैंने पानी भी एक डब्बे में रखा हुआ थोड़ा सा एक बर्तन में। तो तेल हमारा गर्म है, इसका भी सेम वही टेम्परेचर रहेगा तीखे गाठिए का भी, जिससे कि हमने दूसरी पहले बनाई है पापड़ी और मोटा गाठिया बनाया है। तो इसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा या खारा सोडा इस तरह की कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, वो सिर्फ और सिर्फ गाठिया के अंदर करते हैं, बाकी सेव के अंदर किसी के अंदर भी नहीं करते। तो माशाल्लाह से इसको गाठिया से थोड़ा सा ज़्यादा कड़क करना है सेव को, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर तेल काफ़ी कम होता है तो ये थोड़ी सी कड़क होती हैं, इसी वजह से इसको थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करना पड़ता है आपको। तो थोड़ा सा इसको कड़क करके निकालेंगे, थोड़ी सी अभी ये नरम है, थोड़ी सी मैं इसको और फ्राई करूँगा ताकि ये बाद में जाके भी नरम ना हो, अच्छे से इसको कड़क करके निकालना है। तो इसको भी दोस्तों साइड पे करते हैं। अब हम बनाएंगे बारीक सेव, जिसके लिए सबसे पहले नमक शामिल करेंगे। तो बारीक सेव की जो डो बनती है दोस्तों वो थोड़ी सी हार्ड होती है, जान में होती है, और इसमें नमक और पानी का ही आपने इस्तेमाल करना है, बाकी और कोई चीज़ नहीं जाएगी इसके अंदर। तो नमक पानी इसमें शामिल करने के बाद मैंने बेसन इसमें शामिल कर दिया है। तो बेसन मैंने एक ही लिया था, तकरीबन एक किलो बेसन मैंने लेके मैं आया था, अच्छी क्वालिटी का बेसन बिल्कुल पाउडर की शक्ल में। तो ये मुझे थोड़ा सा नरम लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है पानी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा चला गया है। थोड़ा सा बेसन इसके अंदर मैंने और शामिल कर दिया है, क्योंकि दोस्तों सेव जो आपने बनानी है उसका जो बेसन है जितना ज़्यादा हार्ड होगा उतनी ही ज़्यादा सेव अच्छी बनेगी और तेल भी नहीं पिएगी, खुश्क बनेगी। तो इसका जो बेसन है वो आपने पतला नहीं करना। तो इसको भी हम जाली लगा लेंगे। तो ये दोस्तों इसकी जाली है, मशीन में लगाएंगे और उसी तरीके से इसको भी भर के तकरीबन उसी टेम्परेचर पे इसको भी हमने फ्राई करना है जैसा कि हम पहले कर चुके हैं। प्यारे दोस्तों जो चैनल पर नए हों उनसे गुजारिश होगी, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दिया करें, ताकि हर मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। तो दोस्तों मेरी कोशिश यही होगी कि रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान के हवाले से भी आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज शेयर करूं, जो कि आपके इफ्तार के जो दस्तरखान है उसकी रौनकें बढ़ाएं, सहरी का जो दस्तरखान है उसकी रौनकें बढ़ाएं। तो इंशाल्लाह रमज़ान के हवाले से भी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो उस हवाले से भी आगे आने वाली जो मेरी रेसिपीज़ हैं वो रमज़ान के हवाले से होंगी इंशाल्लाह। तो ये दोस्तों मैंने ली है लाल फली, इसको लाल गोला फली भी कहते हैं, ये मार्केट में आपको आसानी से ये चीज़ें मिल जाएंगी, किसी सुपर मॉल में या सुपर स्टोर से तो शायद आपको ना मिलें, अलबत्ता आपको ये मार्केट के अंदर से मिल जाती हैं जो बड़े बड़े स्टोर होते हैं होलसेलर। प्यारे दोस्तों लाल फली जब फ्राई हो जाएगी तो आप इसका छिलका उतार के देखेंगे तो आसानी से उतर जाएगा। तो इसकी यही पहचान होती है कि जब आपकी फली फ्राई हो जाएगी तो इसका छिलका आराम से उतर जाएगा। तो ये मैंने ली है 100 ग्राम वाइट पीनट, तो इसको भी 8 से 10 मिनट 12 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे लो फ्लेम पर ही। तो थोड़ी सी वीडियो दोस्तों मैंने कट भी की है बीच में से ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये वाली फली भी हमारी फ्राई हो चुकी है, तो इसको बाहर निकाल के अब चलते हैं चने की तरफ। तो दोस्तों ये मैंने लिए हैं बड़े चने, वाइट चने, इसको 12 घंटे तक पानी में भिगो के रखा था, तो ये अच्छे से सेट हो चुके हैं। निम्को के अंदर चनों का काफ़ी किरदार होता है, अगर जो आपके चने सही फ्राई होंगे तो आपकी निम्को अच्छी बनेगी।
तो सबसे पहले इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल कर रहा हूँ रेड कलर। दो किस्म के हम बनाएंगे चने। तो ये मैंने एक कप चने भिगोए थे, तो ये आधे में मैं रेड कलर लगा रहा हूँ, आधे में ग्रीन कलर लगाऊंगा। तो रेड कलर मैंने इसमें लगा दिया है। अब जो बाकी बचे हुए हैं आधे ये बचे हुए हैं, इसके अंदर मैं ग्रीन कलर लगा लेता हूँ। तो दोस्तों कलर मेरे पास फूड कलर ही है, तो आपने भी फूड कलर का इस्तेमाल करना है, जो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं फूड कलर वो वाले, जो पाउडर फॉर्म में मिलते हैं वो फूड कलर नहीं होते हैं। तो ये भी आपने ज़हन में रखनी है बात। और चने फ्राई करने के लिए दोस्तों मैंने अपने पैन को थोड़ा छोटा कर लिया है, और जितना मेरे पास तेल मौजूद था उसको मैंने आधे से भी कम कर लिया है, क्योंकि चने जब हम फ्राई करते हैं तो जो तेल है उसके अंदर कलर आ जाता है, और ये तेल आपका बाद में बहुत कम चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने कम से कम तेल किया है। और चने को आपने थोड़े से हाई फ्लेम पे तेल के अंदर डालना है और 8 से 10 मिनट तक इसको फ्राई करना है। और फ्राई दोस्तों आपने इसको मीडियम फ्लेम पे करना है। हाई फ्लेम पे डालने के बाद आपने इसका जो फ्लेम है उसको कम कर देना है, मीडियम पे कर देना है। और जब इसके अंदर बबल्स ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये आना ख़त्म हो जाएंगे, तो समझो आपके जो चने हैं वो फ्राई हो चुके हैं। और आप एक पीस तोड़ के भी इसका देख सकते हैं कि ये खस्ता हुए या नहीं, तो ये भी इसकी पहचान होती है। तो इसके बबल्स तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने इसको निकाल दिया है। अब जो ग्रीन कलर के चने हैं उसको भी सेम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। घी का थोड़ा टेम्परेचर कम हो गया था, मैंने थोड़ी सी देर में रुक गया था, टेम्परेचर को मैंने तेज़ किया है। अगर जो दोस्तों आप ठंडे घी के अंदर चने डाल देते हैं तो उससे ये अकड़ जाएंगे, खस्ता नहीं बनेंगे। तो ये आपने याद रखनी है बात, चने आपने सही फ्राई करने हैं। तो माशाल्लाह से ग्रीन कलर के भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसको भी बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से तो फ्लेम को कर दिया है मैंने बंद और चने हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो एक पीस मैं आपको तोड़ के भी दिखा देता हूँ। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कैसे खस्ता चने बने हैं। अब इसके अंदर हम लगा रहे हैं चाट मसाला। दो जगह पे चाट मसाले का इस्तेमाल करेंगे, एक जगह चने और पीनट के अंदर मसाले लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों आप डायरेक्टली अगर ये नीमको के अंदर चाट मसाला लगाते हैं तो चने और पीनट वगैरह ऐसी चीज़ें हैं ये मसाले को पकड़ती नहीं है। तो इस वक्त ये थोड़े गर्म थे तो मैं गर्म गर्म पर ही लगा रहा हूँ मसाला, ताकि मसाला अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। और बाकी ये जो हमारी सेव और गाठियाँ बनी हुई रखी हैं इसको चूरा कर लेते हैं थोड़ा हाथ की मदद से तोड़कर। तो इसके अंदर दोस्तों जो मैं चाट मसाले का इस्तेमाल कर रहा हूँ ये भी मेरा अपना बनाया हुआ चाट मसाला है, और इसकी वीडियो भी इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपको मिल जाएगी कि किस तरीके से मैं चाट मसाला बनाता हूँ कमर्शियल लेवल पर। तो इसकी वीडियो भी इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर की जाएगी। अच्छे से इसको चूरा कर लेंगे। और ये इसका मसाला है, मसाला एक ही है, आधा हमने इसके अंदर शामिल किया है मसाला और आधा चनों के अंदर शामिल किया था। अगर ये सारा का सारा मसाला हम एक ही जगह पे करते तो चने और पीनट जो हैं वो मसाला पकड़ते नहीं है सब चीज़ों के अंदर मिक्स होने के बाद। तो ये टिप आपने इसकी याद रखनी है, चाहे आप कमर्शियल लेवल पर काम करें या आप घर में नीमको बनाएँ, तो इस तरीके से आपने मसाला इसके अंदर मिक्स करना है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं दोस्तों ज़बरदस्ती हमारी नीमको तैयार हो चुकी है, और बहुत ही खस्ता और करारी मज़े की नीमको, और जो मैंने इसके ऊपर चाट मसाला लगाया है यकीन जाने बहुत ही मज़े का है। तो इसको अब एयर टाइट कंटेनर में डाल के मैं रखने लगा हूँ, क्योंकि दोस्तों रखना आपने इसको सेव करके जब है, जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, गर्म गर्म नीमको को आपने नहीं रखना। तो ये मैंने इसको छोड़ दिया था, ये ठंडी हो गई थी, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ गई थी जब इसको मैंने एयर टाइट कंटेनर में डाल दिया है। अब इसको ऊपर से कर देते हैं कवर। तो प्यारे दोस्तों रेसिपी अच्छी लगा तो आपको लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। देखें तो ये थी आज की मेरी वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालदेन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।